हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अपने अपने घरों में बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। तो दोस्तों, आज का व्लॉग मैं शाम से शुरू कर रही हूँ। अभी शाम के 6 बज गए हैं। तो अभी मैं छोटे मोटे अपने किचन के ही काम कर रही थी। तो चलिए आपको दिखाती हूँ आज के व्लॉग में हम क्या करेंगे। देखिए, मैंने ये खरबूजे के बीज जो है मैंने भिगो कर रखे हुए थे सुखा कर, तो उनको मैं पीस रही थी। तो मेरे को ध्यान में आ गया कि चलो मैं आपके साथ भी ये ट्रिक जो है शेयर कर देती हूँ। देखिए दोस्तों, हम जैसे खरबूजा खाते हैं ना, उसके बीजों को हम फेंक देते हैं कई लोग तो, पर कई लोग स्टोर भी करते हैं उसको और मुँह से छिल छिल कर खाते रहते हैं। पर आप देखिए, मैंने इस तरीके से इनको मिक्सी में पीस लिया था, साबुत बीजों को बिल्कुल जो सुखा कर अच्छी तरीके से। अगर आपके थोड़े थोड़े सिले हैं ना, तो आप कढ़ाई में उन्हें हल्का सा गर्म करके तो इस तरीके से आप पूरे मिक्सी में इसको पीस लीजिए। और देखिए, मैंने इनको पीस के इस तरीके से छान लिया है और एकदम बारीक पाउडर जैसे बन गया है। ये देखिए कितना। और आप इसको बच्चों के दूध में डालकर दे सकते हैं या हलवे वगैरह में भी डाल सकते हैं। तो ये बहुत ही ताकत वाला होता है। 4 मगज़ जो होते हैं, आपको पता ही है कि खरबूजों के बीजों को 4 मगज़ भी बोलते हैं। तो एक तो ये अच्छे भी लगते हैं और ये हेल्दी भी बहुत होते हैं। तो आप इस तरीके से महीन पाउडर बनाकर स्टोर कर कर रख सकते हैं। और आप खरबूजे के बीजों को बिल्कुल भी मत फेंकिए, इस तरीके से बनाइए। तो चलिए, आज आपके साथ मैं कोल्ड कॉफ़ी की एक रेसिपी शेयर कर रही हूँ। मेरा मन कर रहा था कोल्ड कॉफ़ी पीने का, बहुत टाइम से मैंने पी भी नहीं, मेरी बेटी भी पीती है। तो चलिए बनाते हैं कोल्ड कॉफ़ी। देखिए, कोल्ड कॉफ़ी के बनाने से पहले मैंने ये रात को साबुत मूंग जो है भिगो दी थी। देखो, इसलिए इसको मैं अंकुरित कर रही हूँ इन्हें। तो इसे पूरा दिन, मेरे को कल रात से भिगी हुई है, अब आज का भी पूरा दिन हो गया इसे भिगे हुए। अब इसे मैं एक कपड़े में या एक मेरे पास ना थैला बैग टाइप है, जैसे कपड़े का थैला होता है, जैसे मार्केट में आपको आजकल पन्नी की जगह पे मिलते हैं ना कैरी बैग, उसी में मैं इसको डालकर तो इसको मैं अंकुरित करूँगी। तो चलिए अभी आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, इस टाइप का जो बैग होते हैं ना थैले छोटे छोटे, मैं इसके अंदर इन्हें डाल दूंगी और थोड़ी थोड़ी देर बाद इन्हें गीला करती रहूंगी, क्योंकि गीला रहेगा ना तो अंकुरित जल्दी होते हैं। कल शाम तक ये अंकुरित भी हो जाएंगे। वैसे आप सलाद में खाइए या फिर इसकी सब्जी भी बनाकर खा सकते हैं, बहुत हेल्दी होते हैं दोस्तों। तो चलिए, मैं आपको इसके अंदर डालकर इसको भिगो करके दिखाती हूँ कि कैसे करना है। देखिए, मैंने सारी दाल को इसके अंदर ही पलट रही हूँ मैं, पानी भी साथ में, और इसे साफ पानी चलाकर इसे मैं बांध कर टांग दूंगी एक जगह पर। देखिए इस तरीके से, और बार बार इसे थोड़ी थोड़ी देर बाद, आप जब आपको लगे कि सूख गया तो आप इसे पानी डाल दें इसके ऊपर और उसको गीला कर दें, तो ये कल तक अंकुरित हो जाएंगे। तो चलो, मैं आपको कल दिखाऊंगी जब ये अंकुर हो जाएंगे ना इसमें। देखिए, मैं इसमें रबड़ चढ़ा रही हूँ थोड़ा लूज करके, इस तरीके से इसे टांग दूंगी, कल तक इसमें जो है दाल अंकुरित हो जाएगी। देखिए, कोल्ड कॉफ़ी बनाने के लिए मैंने ठंडा दूध ले लिया है। आप इसमें बर्फ़ भी डाल सकते हैं, पर मैं ज़्यादा ठंडी नहीं बनाऊंगी, क्योंकि मेरे को दांतों में दर्द हो जाता है फिर। और उसके लिए देखिए, कॉफ़ी के पाउच चाहिए। आप अपने दूध की क्वांटिटी के हिसाब से कॉफ़ी लें। मैंने 1.5 पाउच लिया है, इसमें से आधा निकला हुआ है। और देखिए, इस कॉफ़ी में मैं कोल्ड कॉफ़ी में थोड़े से खजूर और बादाम को भी मैंने क्रश कर लिया है, इसमें डालूंगी। और जो मैंने खरबूजे के बीजों को पीस कर ये पेस्ट बनाया है ना, 1 या 2 चम्मच, मैं इसमें ये भी ऐड करूंगी। और चीनी थोड़ी ही डालूंगी, क्योंकि मीठा मुझे ज़्यादा खाना नहीं है, तो हल्की सी चीनी डालूंगी। आप ज़्यादा डाल सकते हैं अपनी क्वान्टिटी के हिसाब से, अगर मीठा ज़्यादा खाते हो तो आप चीनी भी डाल सकते हैं इसमें। और सब चीज़ें ना इसी में गड़बी में डाल के मैं मिक्स कर रही हूँ, और ऊपर से हैंड ब्लेंडर से इसको अच्छी तरह से चलाऊंगी हैंड ब्लेंडर इसके अंदर, और जब तक इसमें झाग नहीं बनती तब तक चलाती रहूँगी। और जो आपकी कोल्ड कॉफ़ी है बनकर रेडी है। तो चलिए, मैं आपको इसमें हैंड ब्लेंडर जो है चलाकर दिखाती हूँ सब चीज़ें डालकर। देखिए, मैं इसमें खजूर और बादाम भी ऐड कर रही हूँ, और ये जो कॉफ़ी के पाउच हैं उनको भी मैं सारा ही डाल दूँगी, क्योंकि कोल्ड कॉफ़ी होती है ना दोस्तों, ये तो थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग ही अच्छी लगती है। अगर आप कम डालेंगे तो ऐसे लगेगा कच्ची कच्ची सी, आप कुछ लस्सी वगैरह पी रहे हो। तो आप जो कॉफ़ी है वो थोड़ी स्ट्रॉन्ग ही डालें इसके अंदर, 1 से 2 पाउच आप डाल सकते हैं, मतलब कि 1 से 1.5 चम्मच जो बड़ी चम्मच होती है वो आप इसमें डाल सकते हैं। और इसमें मैं थोड़ी सी चीनी भी ऐड करूँगी।
देखिए मैंने इसमें 2 चम्मच मलाई भी डाल दिया ताकि अच्छे से क्रीमी और गाढ़ी गाढ़ी कॉफ़ी बने। ये देखिए सिर्फ 2 चम्मच ही डालिएगा, इससे जो है इसका टेक्सचर और भी बढ़िया हो जाएगा। और इसे ब्लेंड कर लेते हैं अच्छे तरीके से। देखिए दोस्तों हमारी कोल्ड कॉफ़ी बनकर बिल्कुल तैयार है, झाग वाली। और देखिए इसके ऊपर से मैं थोड़े थोड़े कॉफ़ी हल्की हल्की सी इसमें कॉफ़ी डाल दूँगी ऊपर से, आपकी इच्छा है, नहीं तो आप हर चीज़ सिर्फ आता है ना लिक्विड जो बच्चों को आप दूध वगैरह में डाल के देते हो या केक वगैरह में हम यूज़ करते हैं। और देखिए ये ओरियो वाले बिस्किट हैं ये, इसको भी मैं ओरियो के बिस्किट को भी थोड़ा थोड़ा तोड़कर ऊपर से डेकोरेट कर दूँगी और ये खाने में भी बहुत स्वाद लगते हैं इसके साथ। तो आप भी इस तरीके से कॉफ़ी को ज़रूर बनाइए, कॉफ़ी दोस्तों पीने में बहुत ही मज़ेदार है। और आप बिस्कुट तभी डालें जब आपको तुरंत पीनी हो, डालकर मत छोड़िए इसको। तो चलिए दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो और मेरी कॉफ़ी की रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और अगर मेरी वीडियो पर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए मिलती हूँ आपको अगली वीडियो में, तो धन्यवाद दोस्तों, बाय।